किसी हिस्ट्री पढ़ लिया हिस्ट्री हो हाँ जी हिस्ट्री यहाँ के मतलब कैसे पढ़ा है कैसे हाँ जी हाँ जी वो रामपुर से अपना रामपुर हाँ जी बताओ आपका नाम जसवंत सिंह जसवंत जसवंत सिंह तो जो ये छिपकली गांव है रक्षम रक्षम गांव तो इसके बारे में आप हमारे कुछ बताएंगे कि रक्षम कैसे पड़ा और पहले क्या था यहाँ पे उस चीज़ के बारे में शुरू से ही बताते हैं नहीं हाँ शुरू से ही बताओ आप रक्षम का मतलब है पत्थर का बोल राख को कहते हैं हम पत्थर ना फूल को कहते हैं छम तो पहले पत्थर का पुल हुआ करता था उसी के नाम से हमारे गांव राक्षम हो गया है यहाँ पत्थर का पुल था ना जी तो यहाँ इसी पुल के नाम से ना पत्थर का पुल था तो ये राक्षम पत्थर मतलब ये राख हमारे लोकल उसमें राख कहते हैं पत्थर को यानी कि पत्थर को राख कहते हैं और छम को पुल कहते हैं पुल छम को छम को पुल पत्थर का पुल है पत्थर के हाँ पत्थर का पुल है तो इसी नाम से हमारे गांव में राक्षम गांव पड़ा अब तो नहीं है किसी जमाने में पुल होना ना पत्थर हाँ जी तो पत्थर का पुल है और यहाँ का पॉपुलेशन है लगभग कोई चालीस एक घर रहे 140 एक घर रहे घर 140 लगभग 1100 पॉपुलेशन है 1100 पॉपुलेशन यहाँ का कृषि भी है और भेड़ बकरियाँ पशु भी पालते हैं पशु में क्या क्या आपकी पशु भेड़ बकरियाँ और गाय जर्सी गाय है लोकल गाय पहले तो अच्छा जर्सी गाय भी रखी है आपने लेकिन जो यहाँ के लोग है ना ये परमानेंट यहीं पे यहीं के ही है या फिर कहीं से आए भी है आके यहाँ पे बसे हुए ये है किसी जमाने में हमारे एक कहावत है सतयुग में गंदम के दाना जो ना एक शेर का हुआ करता आजकल के लोग है ना पहले शेर था हाँ एक शेर था ना गंदम के दाना एक शेर हुआ करता था फसल इतना बड़ा फसल था तो उस वक्त से है अब उसका बता लो कई युग पहले की बात है ना जी तो वैसे चलो अब उसमें तो क्या लिखा यही आप लिख दो ना जो उस वक्त है आप युगों के हिसाब है ये ना तो यहाँ हमारे पहले संबंध जो है ना निर्मन से हुआ करता कुल्लू निर्मन और रामधारा ऐसा मतलब था यहाँ के लोग निर्मन से आए नहीं निर्मन से नहीं आया हमारे तो यहीं का मतलब निर्मन का एक शनाकत है हमारे वही है तो बाकी लोग गाँवों से दिया नहीं है इसका मतलब बाकी बाद में आए होना ना तो ये निर्माण बहुत जो है जो पुराना है ये जो गंदम का दाना एक शेर का है ना वो निर्माण में भी है या हमारे हिस्ट्री में ऐसे है निर्माण में भी है इससे लगता ना वो भी काफी पुराना है गंदम का एक शेर गंदम का दाना एक शेर के बराबर शेर था 40 शेर का एक मन हुआ करता 40 का एक मन पहले शेर मन वगैरह अच्छा एक मन अच्छा अच्छा आपके यहाँ फसलें कौन कौन सी होती है ये लोकल गायें भी है बताया आजकल जर्सी भी है ना जी तो लोकल में एक याक होता है याक है ना जी चोर गाय कहते हैं उसको याक चोरू चोरू हाँ याक लिख लो आप उसमें ना तो बाकी लोकल गाय हैं आजकल जर्सी गायें भी है ज्यादातर भेड़ बकरियां भी पालते हैं हमारे भेड़ बकरियां जाता है सर्दियों में ये नान डिवीजन में हिमाचल में नीचे जाते हैं अब गए हैं जा रहे हैं वो नीचे अच्छा। फिर वो वहाँ से हम कहाँ से होकर जाते हो ये जंगल के रास्ते से सांगला कांडे हो तो
करके भी जाते हैं ला क्रॉस करके नहीं डोडराकवार हाँ जी उधर के होते हुए जाते हैं इस पर हिमाचल रोड से ये खड़ा पत्थर होते हुए ना चीजें नान पौंडा रीजन में जाते हैं। कृषि कौन कौन सी कृषि है हमारी ज्यादातर हमारे आलू मटर उगला और फावरा एक फसल होता है आलू मटर और उगला 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 और फाफरा फाफरा अच्छा फिर थोड़ा बहुत हमारे सेब भी है बागीचा में ना अच्छा उनके लिए फाफरा और उगला कब बीजते हैं ये मई को बीजते हैं उगला और फाफरा कार्तिक कब है मई मई में ये जेठ को ना ये हाँ जी जेठ हाँ जेठ जून और आज तक सारा इकट्ठा हो गया आजकल काटते हैं अंदर लाया किसान में एक लोट हो गया काटना कब करते हैं उसको काटने का ये है असोच ये है सितंबर सितंबर ना हाँ सितंबर 18 सितंबर से कटाई शुरू होता है अच्छा अब अभी कितना है 3-4 अक्टूबर क्लोज हो गया है फसल जो उगला फाफरा अच्छा बाकी आलू उगले खोदने का है अच्छा मतलब इसी महीने क्लोज हो जाएगा ये ना अच्छा ऐसे और आप कौन कौन से त्योहार मनाते हो मतलब कि यहाँ पे जो त्योहार हमारे एक मेन त्योहार मेन वैसे छोटे छोटे मोटे तो बहुत जनवरी से लेकर साल से जनवरी से लेकर कौन सा होता है एक तो सर्दियों में एक माघ के महीने में हाँ त्योहार होता है शिव पार्वती का एक शादी होता है व्यवहार उसका ज़्यादा उसका 15 दिन तक उसका पूजा होता भी शिव पार्वती का शादी होता है यहाँ का एक तो इस त्यौहार को बोलते हैं क्या शिवरात्रि टाइम जो शिवरात्रि टाइम नहीं नहीं मांग अपने भाषा में क्या बोलते हैं आप इस त्यौहार को मांगकार बोलते हैं इसको ना मांगकार हमारे बोलते हैं शिवरात्रि जनवरी में हमारा फिर उसके बाद शिव पार्वती का जो विवाह होता ना जी वो तो है माँ के मीना जैसे पार्वती शिव जी के वहाँ आ गए यहाँ घर में यहाँ से फिर वापस जब जाते हैं ना वो फरवरी शुरू शुरू में फिर वो वापस उसको भी मेला होता है 3-4 दिन बड़ा धूमधाम से होता है वो है सर्दियों का मेन मेला है उसका ना शादी कहते हैं उसको शादी जब शादी किया ना आज शादी हो गया कल परसों फिर परे भी ले जाएगा ना मायके जाएगी उस वक्त ही फिर मेला होता है वो हस्त फरवरी से 2-3 फरवरी तक 3-4 फरवरी तक चलेगा वो उसका नाम है शादी शादी मेला शादी मेला फरवरी में हाँ फरवरी त्योहार के बाद फागुन लगा दो मांग में तो शादी हो गया ना मांग के मीना जो ना फागुन के महीने में फिर वापस कहते हैं पार्वती सोनी देवी आपकी हिस्ट्री ऑफ जो रेफरेंस होता है उनका फोटो लेना है इनका नाम वगैरह सोनी सोनी पार्वती यानी अपनी भाषा में सोनी देवी फिर एक मेला होता है खास मैन मेला छोटे मेला तो छोड़ दो ना मैन जो मेला है हमारे ये लिखो यहाँ एक मैन फिर हमारे मुख्य देवता जो है ना शमशीर देवता है यहाँ के देवता शमशीर देवता शमशीर हाँ तो वैसे तो 3 देवते हैं ना सबसे बड़ा वो शमशीर है आपने यही लिखना है तो इसी के उससे बाकी 2 देवते कौन से हैं भगवती देवी है एक नाग देवता छोटे वाले जो ये शमशीर देवता है तो इनके हाँ शमशीर सबसे बड़ा देवता है ना बीच में फिर भगवती देवी है फिर उससे छोटे हैं नाग देवी है फिर उनमें से सबसे बड़े वो सोनिक आ गया जो देवी है ना सबसे बड़े बाकी
फसल तो आ गया आपका। और यहाँ एक उसके बाद एक मेला आता है गरियों में, बड़ा मेला, छोटे मेला तो कई होता है ना, ये एक आषाढ़ शुरू में गता आषाढ़ जून जून हाँ जून 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 ना पड़ता है वो लगभग आषाढ़ 15 जून वो शमशेर जी ने एक कैलाश से फूल लाया हुआ है, यहाँ बिजाई किया हुआ, वो अभी भी शनाखत है, वो फर्स्ट अषाढ़ गत्ते में वो फूल कैलाश से वो फूल लाया गया है हमारे शमशेर देव ने ना, जब यहाँ पर शिव आए ना शमशेर देव उस वक्त फूल लेके आए, तो वो फूल यहाँ बिजाई किया हुआ उत्तरकंडे में ना, कहीं भी नहीं है वो बिजाई, अभी अभी भी है मौजूदा में ना, वो कहीं भी नहीं है। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं।